far as I'm concerned, not now. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का यह बयान आया दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद। नवीन पटनायक ने ये भी साफ कर दिया कि उनकी पार्टी बीजू जनता दल अगले साल विधानसभा और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। Coming elections, you will go it alone in the assembly and Lokasabha elections. That has always been our principle. नवीन पटनायक के इस बयान के बाद 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की मुहिम खटाई में पड़ती दिख रही है। तीन दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भुवनेश्वर पहुंचकर नवीन पटनायक से मुलाकात की थी और पुरानी दोस्ती की दुहाई देकर नवीन पटनायक का साथ मांगा था। हम लोगों का संबंध इतना ज्यादा है कि पॉलिटिकल बात सोचने की जरूरत नहीं है। नवीन पटनायक देश की राजनीति के बड़े छत्रप माने जाते हैं। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोकसभा में अभी बीजू जनता दल के 12 सांसद हैं और राज्यसभा में 8। फिलहाल नवीन पटनायक का झुकाव न तो बीजेपी की तरफ है न ही कांग्रेस की ओर।